सबसे पहला प्रॉब्लम है कि अगर आप अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहे हो तो आपने टोल नहीं लेना चाहिए. इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट. अब ये क्या हुआ कि स्टेट में, देश में भी इसकी अलग अलग मानसिकता है. पूरे टोल को गुजरात में, पूरा गुजरात में स्टेट में विरोध है. हमने एक बड़ौदा से लेकर बड़ा हाईवे बनाया अहमदाबाद बड़ौदा, तो वहां के सरकार ने उसको पैरेलल हाईवे बनाया. तो पहली बात, वो टोल देने में जो मानसिकता है वो कुछ जगह है कुछ जगह नहीं है. और हमारे यहाँ जो आदत है कि कितने जल्दी टोल लगाए और कैसे पैसा वसूल करें और अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें, इसमें जल्दबाजी है. और जब रोड अच्छा नहीं होता तो फिर वो सोशल मीडिया पे फोटो छपते, रोज मेरे पास अनेक कंप्लेंट्स आती है. और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारी यंत्रणा जो है टोल पर की और जो PDRO है वो उतने सेंसिटिव नहीं है. और दूसरी बात कैसी है कि एक हर चीज का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है. जो ब्रेकिंग पॉइंट टोल का है वो मैं समझ चुका हूं, जो लोग नए आते हैं वो नहीं समझ पा रहे. इस सिस्टम का ब्रेकिंग पॉइंट यही है कि आप जहां ज्यादती करोगे वहां सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी. पॉलिटिकली आप टोल ही नहीं कलेक्ट कर पाओगे. तो सिस्टम में वो जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है उसमें बेस्ट क्वालिटी का रोड देना चाहिए. लोग कीचड़ में जा रहे हैं, गड्ढे पड़े हैं, आप टोल ले रहे हो, लोग गालियां देते हैं. और गालियां संतोष यादव को नहीं मिलती है, सेक्रेटरी को मिलती है. गालियां मिलती है नितिन गडकरी को, टमटा को, क्योंकि लोगों के नजरों में रेलवे एक्सीडेंट होने के बाद बोलते हैं रेलवे मंत्री रिजाइन करो. हवाई जहाज का एक्सीडेंट होता है तो हवाई जहाज का मंत्री रिजाइन करो. तो वो स्वाभाविक भी है. हमको उस कभी कभी इस पोजिशन का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है. तो बहुत बार ये जो टोल के बारे में मानसिकता है, इसमें अगर आप टोल नाके पर सिस्टम कोलैप्स करके एक एक घंटा अगर खड़े होंगे लोग और आपकी सिस्टम कोलैप्स होगी तो सबसे ज्यादा गालियां हमको खाने को मिलेगी. और सिस्टम में बहुत घुसे हुए लोग हैं, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है. रात को वो फास्टैग कैसे बंद करना, कंप्यूटर फेल कैसे करना. अब मैं बस ग्रास रूट पर आदमी हूं, फुटपाथ पर चाय पीने वाला हूं, तो इसलिए मैं नीचे में क्या होता है इसकी मुझे पूरी जानकारी है. मैं पूरी कुंडली जानता हूं, कहां कहां क्या हो रहा है, कौन कैसे मैनेज हो रहा है, कहां से पैसे ले रहा है, तो काफी मैं समझ चुका हूं. तो प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम को ट्रांसपेरेंट, क्वालिटेटिव और 100% परफेक्ट बनाना चाहिए. उसमें लूपहोल नहीं चाहिए. जब हमने टोल सिस्टम को फास्टैग पे लाया तो 6-7 हजार करोड़ हमारा इनकम बढ़ा. जब हम लोग नेचुरली आज ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पे जाएंगे तो पहला मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसमें से हम 10 हजार करोड़, अभी 54 हजार करोड़ कमा रहे हैं, हम 10 हजार करोड़ हमारा बढ़ेगा. थोड़े से लूपहोल इसमें से बंद होंगे. 100% लूपहोल बंद होना ये इम्पॉसिबल कंसेप्ट है, पर 99% हमने किया तो भी ये बड़ी अचीवमेंट है. क्योंकि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट. उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी. 100% परफेक्शन अपेक्षा हमारी जरूर है पर संभव नहीं है.